नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। बिछिया बहराइच करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में इको अवेयरनेस सेंटर पर 3 दिवसीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के विभिन्न रेंजों से चयनित 50 वन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण दे रहे जितेंद्र कुमार ने बताया कि WTI के डिप्टी डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ इन्फोर्समेंट जोस लुइस के निर्देश पर कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न रेंजों से आए रेंज अफसरों समेत 50 वन कर्मियों को प्रभागीय वनाधिकारी GP सिंह व उपप्रभागीय वनाधिकारी यशवंत के नेतृत्व में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में वन कर्मियों को वन्य जीव अपराध कानून व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में बताया गया। उन्होंने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि वन्य जीव अपराध होने पर उनकी कानूनी प्रक्रिया को सरल कैसे बनाया जाए, साथ ही भौतिक साक्ष्यों का एकत्रीकरण और प्रयोगशाला में प्रशिक्षण कैसे कराया जाए, इस बारे में गहन प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही वन्य जीव अपराध व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की पुस्तकें वन कर्मियों को दी गई। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन रविवार को किया जाएगा, जिसके साथ वन कर्मियों को फीड किट बांटी जाएगी। प्रशिक्षण में वन क्षेत्राधिकारी करतनिया घाट पीयूष मोहन श्रीवास्तव, दया शंकर सिंह, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, मयंक पांडे, मनोज पाठक, अनिल रिभुदेव, प्रशांत कुमार आदि उपस्थित रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए मसी खां कमल की रिपोर्ट। सर अभी सर एक और चीज, एक और केस अभी फिलहाल सर 3-4 महीने पहले मानस टाइगर रिजर्व में एक केस हुआ था, दो ट्राइबल्स एक पैंगोलिन मार के गया। वही खबर आ रही है करतनिया वन्य जीव प्रभाग अंतर्गत करतनिया रेंज स्थित चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज के तावे में तेंदुआ फंसे होने की सूचना मिलने से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण गिरजा बैराज पर जमा हो गए। सुबह करीब 8 बजे ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी कि जंगल से निकला तेंदुआ बैराज के तावे में पिछले 12 घंटों से फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को नियंत्रित किया तथा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। करीब 30 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग ने तावे में फंसे जीव को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों को बताया कि यह फिशिंग कैट है। DFO करतनिया GP सिंह ने बताया कि डैम के तावे में फंसा जीव फिशिंग कैट है। उन्होंने कहा कि फिशिंग कैट की आंख के नीचे काले रंग की धाराएं होती हैं। फिशिंग कैट जंगली बिल्ली से 3 गुना आकार में बड़ी होती है। रेस्क्यू करने वाली टीम में वन क्षेत्राधिकारी करतनिया पीयूष श्रीवास्तव, वन दरोगा मयंक पांडे, अनिल कुमार कौशल, किशोर सिंह, अब्दुल सलाम, जमुना विश्वकर्मा व वन विभाग के सहयोग कर रहे राधेश्याम साहानी की पूरी टीम मौजूद रही। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए मसी खां कमल की रिपोर्ट। नहीं नहीं पकड़ लेंगे, पकड़ ले हैं, मर ना जाए। अच्छा गर्दन बांधेंगे पैर, ये अरे वो देख रहे पूरा झूले उठा लाए थे मैडम, मैडम में तो झूले उठा रहे थे पूरा लेके। रुक जाओ अंधा बड़ा। आज चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज पे एक 18 नंबर गेट में तेंदुए की सूचना है फंसने की, क्या मामला है? तेंदुआ फंसने के मौके पर पहुंचे हैं जो आप लोग बोले वहीं खड़े हुए थे। ये फिशिंग कैट है, जंगली बिल्ली जिसको कह सकते हैं, जंगल में पाए जाने वाली स्मार्ट कैट है। रेस्क्यू कर लिया गया है, रेस्क्यू करके उसको जंगल में रिलीज कर लिया। कितनी उम्र की है लगभग? उम्र तो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा है कि वो पैक हो गई है, तो लेकिन एडल्ट है। कितना समय लगा रेस्क्यू करने में? फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।